महाबली योद्धा है हनुमान, पर भ्राता लक्ष्मण भी अत्यंत उग्र महायोद्धा है। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हो तो सर्वत्र सर्वनाश होगा। माता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करना होगा। मेरे दिव्य बाण किसी को भेदे बिना नहीं थमेंगे हनुमान जी, फिर वो आपका वज्र के समान शरीर हो या अन्य कोई लक्ष्य। मुझे ये ज्ञात कराने के लिए आपका धन्यवाद भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आपका प्रहार तो मैंने रोक लिया, किंतु अब आप कीजिए मेरे प्रहार से अपना बचाव। स्वामी, कैसा अनर्थकारी युद्ध है ये, जिसमें दोनों योद्धा श्री राम के लिए ही युद्धरत हैं। एक उनके वचन की रक्षा कर रहा है तो दूसरा उनके मन की। देवी, ऐसा धर्म युद्ध जब भी होता है तो धर्म को निजी संबंधों के उच्च स्थान पर रखकर भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा को बल और महिमा प्रदान करता है। किंतु किसका धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, कि कैसे स्थापित होगा स्वामी? जय श्री राम। पुत्र हनुमान, मेरे स्वामी के वचन के विरुद्ध जाकर भी उनके और मेरे सुख के प्रति ही निष्ठावान है, जिसके लिए वो कोई भी आघात सहने के लिए प्रस्तुत है। भैया, प्रतीत होता है कि यह भूकंपन तभी रुकेगा जब उन दोनों का युद्ध थमेगा। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा इस विध्वंसक महायुद्ध को रोकने का। एक उपाय है, महामंत्री सुमंत्र। जिनके परामर्श से आपका और आपके भ्राताओं का जन्म संभव हुआ, राजा रोमपाद द्वारा अपनी पुत्री शांता के दान से श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ठी व्रत के लिए तैयार करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हनुमान के पिता महाराज केसरी जी के घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत्र, इसलिए हनुमान इनकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने महामंत्री सुमंत्र को यहां बुला लिया है।
प्रणाम महामंत्री सुमंत जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमंत्री जी। प्रणाम सुमंत्री जी। प्रणाम ऋषिवर। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हाँ महामंत्री सुमंत्र, आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, नियति के चक्र से भी भली भांति परिचित हैं। अब एक आप ही हैं जो अपने सहज ज्ञान से हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध को रोक सकते हैं। महाराज, मैं इस अनिष्ट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। माता की इस अवस्था में मुझे उन्हें अयोध्या ले जाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वज्रास्त्र। आज तक महाबली हनुमान के जिस बाहुबल के बारे में सुना था, आज मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है या कोई दुर्भाग्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आज मुझे भी एक रघुवंशी योद्धा के बल से जूझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूँ, ना रावण मेरा हरण करता, ना ही स्वामी को ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता, किंतु मेरा दुर्भाग्य इन दोनों के अहित का कारण क्यों बने? मैं जब तक यहाँ रहूँगी इन दोनों का युद्ध समाप्त नहीं होगा, इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। रावण द्वारा उनका हरण करने में एवं धोबी द्वारा उन पर आक्षेप लगाने में तो देवी सीता का कोई दोष नहीं है स्वामी, फिर वो ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रही है? देवी, पाप, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेरित दुरात्मा पाप कर्म कर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनके पापों का दोष उनके द्वारा पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। इसलिए पापी के मिट जाने से नहीं अपितु पाप के मिटने से ही संसार अधर्म से मुक्त हो सकता है। दोनों का ये युद्ध मेरे लिए असहनीय है, इसलिए अब मेरा इन दोनों से दूर जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारे और स्वामी के जीवन में दुविधा का कारण बनूं। हनुमान जी, मैं भैया को दिया वचन पूर्ण करके ही रहूंगा। भैया लक्ष्मण, अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आपसे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। हनुमान जी, इस दुखद स्थिति से माता को सुरक्षित करने के लिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा लक्ष्मण भैया। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए?
युद्ध से मन भर गया क्या आपका? लक्ष्मण भैया, जब माता ही यहाँ पर नहीं है तो हम ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? माता, माता कहाँ है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, माता के आभूषण? लक्ष्मण भैया, माता यही कहीं होंगी, हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भाभी हमें बिना बताए क्यों चले गई हनुमान जी? भैया लक्ष्मण, आप भी तो बिना वास्तविक कारण बताए उन्हें यहाँ पर ले आए थे, किंतु व्यर्थ के इस विमर्श में समय गवाए बिना हमें माता को ढूंढना चाहिए। माता कहाँ है आप? भाभी माँ कहाँ है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ है आप? भाभी माँ, माता, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ है आप? माता आप कहाँ हैं? सुमंत्र जी यहाँ? प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम महामंत्री। सुमंत्र जी आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहाँ होंगी? कहाँ जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाली।